जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं जन्माष्टमी 2023 में कब है, जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पालन का सही समय। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। जन्माष्टमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन उपवास करने से, विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पृथ्वी लोक पर धर्म की स्थापना के लिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण की पूजा से संसार के समस्त सुख का आनंद मिलता है। संतान की प्राप्ति के लिए भी जन्माष्टमी का दिन विशेष फलदायी माना जाता है। भाद्रपद का महीना भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग और वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बैल स्वरूप का पूजन किया जाता है। हर साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। आइए जानते हैं साल 2023 में जन्माष्टमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और इस दिन अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 6 सितंबर सुबह 9:20 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 7 सितंबर सुबह 10:25 पर। व्रत के पालन का समय होगा 7 सितंबर सुबह 6:09 के बाद। मान्यता अनुसार ग्रस्त जीवन वाले 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे और वहीं वैष्णव संप्रदाय 7 सितंबर को जन्माष्टमी का उत्सव मनाएगा। जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि में करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर सारा दिन व्रत रखें। शाम के समय पूजा स्थल पर बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें और मध्य रात्रि के शुभ मुहूर्त में सबसे पहले प्रतिमा को पंचाम अमृत से स्नान कराएं। स्नान कराकर पीले वस्त्र व आभूषण पहनाएं और माखन मिश्री का भोग लगाएं। अब अंत में आरती कर उन्हें झूला झुलाएं। अगले दिन पारण मुहूर्त में व्रत का पारण कर पूजा संपन्न करें। जय श्री कृष्ण।